हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आयर टूडेज एफ टी टेस्ट पेपर डिस्कशन थर्ड दिस इज एफ टी और इसका कोड है एफ ये हमारा फोर्थ फैप को हुआ था चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे बॉटनी के सिलेबस से पुष्पी पादपों की शारीरिकी पादप जगत व पादपों में परिवहन एनाटमी है प्लांट किंगडम है और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है इसका सिलेबस फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटर कैलरी मेरिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्वेशी विभ ज्योतक के संदर्भ में सत्य है इंटर कैलरी जो हमें जनरली किसमें मिलता है जो ग्रासेस होती हैं दैट इज मतलब जो खाई जाती हैं आपके ग्रेजिंग हर्बी एनिमल्स के थ्रू तो उनको रीजनरेट दोबारा से जनरेट करने का काम करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम्स और ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स में आते हैं तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यह चरने वाले शाकाहारियों द्वारा हटाए गए घास के भाग को पुनः उत्पन्न करता है तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड Which of the following tissues is not secondary in function? कौन सा इनमें से सेकेंडरी से, से नहीं है निम्नलिखित में से किस उत्तक का कार्य द्वितीयक नहीं होता है एपिकल मेरिस्टेम का जो कार्य होता है वो प्राइमरी होता है ये प्राइमरी ग्रोथ करता है सेकेंडरी नहीं करता है तो ऑप्शन जो सही है दैट इज फर्स्ट शीशस्थ विभज्योतक ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कॉलन कायमा एक्सेप्ट निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी कथन कॉलन कायमा के लिए सही है सिर्फ एक सही नहीं है अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट्स यस यह अधिकांश द्वी बीच पत्री पादपों में भाम्य त्वचा के नीचे की परत में होता है मतलब जो हाइपोडर्मिस होती है उसमें डिपोजिशन ऑफ हेमी सेलोज एंड पैक्टिन ऑन सेल वॉल ये भी होता है इसमें इसकी कोशिका भित्ति पर हेमी सेलोज और पैक्टिन का निक्षेपण होता है इट इज कम्पोज ऑफ डेड सेल्स नहीं ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है डेड सेल्स से नहीं बना होता है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सहचर कोशिकाएं किसमें दाब प्रवणता बनाए रखने में सहायता करती हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन है सीव ट्यूब्स में चालनी नलिका में ऑप्शन नंबर थर्ड Which ऑफ द given components ऑफ परमानेंट tissue इज usually absent इन gymnosperms स्थायी का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनावृत बीजियों में सामान्यतः अनुपस्थित होता है जिम्नोस्पर्म्स में नहीं प्रेजेंट होता है परमानेंट टिश्यू का कौन सा कॉम्पोनेट होता है तो दैट इज वेसल्स वेसल्स जो होती हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलती है वाहिकाएं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सिलेक्ट द मिसमैच पेयर असुमिलित युग्म का चयन कीजिए इमा एसिमलेट फूड वेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट यह क्लोरोप्लास्ट युक्त होने पर खाद्य पदार्थ का स्वांगीकरण करता है सही है लिग्निफाइड हैज फ्यू और न्यूमरस पिट्स इसकी लिग्निनी कोशिका भित्ति में कुछ या कई गलत होते हैं सही है पेरनकाइमा इंटरसेलर स्पेसिस आर नेवर प्रेजेंट ये गलत है इंटरसेलुलर स्पेसिस हो सकती है फेरनकाइमा में तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड

स्थलीय पादपों में किसकी भाव्य त्वचा पर उप त्वचा अनुपस्थित होती है वो है हमारी रूट्स। रूट्स पर रूटिकल होगी ऑप्शन नंबर थर्ड ऑफ आइसोबायट्रल लीव निम्नलिखित में से कौन सी सम द्विपाषीय पर्ण की एक विशेषता नहीं है आइसोबाइलेट्रल मतलब हम कौन सी लीव की बात कर रहे हैं मोनोकॉट लीव की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है चलिए मोनोकोट लीफ का फीचर नहीं है बली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेसेस ये भी मोनोकोट का एक फीचर है इसमें रंध्र ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड कॉलेंकाइमा सेल्स नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहां पर तो यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हार्ट वुड इज अंत कास्ट कैसी होती है लाइटर इन कलर नहीं डार्क होती है कलर में हार्ड ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रोब्स यस कठोर स्थाई और सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होती है बिल्कुल सही है, सही है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इन द डाइकॉट रूट वेस्क्यूलर कैम्बियम इज द्विज पत्री मूलों में एधा वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली प्राइमरी इन ओरिजिन नहीं का उद्भव पूर्ण रूप से प्राथमिक होता है नहीं पार्शियली सेकेंडरी एंड पार्शियली प्राइमरी एन ओरिजिन नहीं कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन यस का उद्भव पूर्ण रूप से द्वितीय होता है ये सिर्फ उसी टाइम पे बनेगी और पूरी की पूरी उसी टाइम पे बनेगी जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी प्राइमरी स्टेजेस में आपको रूट्स में वस्क्यूलर कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इसे बोलते हैं कंप्लीटली इन ओरिजिन रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसेशन एंड गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल सही है रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियमित करते हैं सही है एपिडमल सेल्साइमेटसल्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म स्मॉल वेक्यूल नहीं ये गलत है एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो पेरेंकाइमेटस सेल्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल वैक्यूल नहीं होती हैं तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर वन सिलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टार शीथ एंड डाइकॉट स्टेम सही है एंडोडर्मिस द्वीपीज पत्री तने की अंत त्वचा को स्टार्च आच्छत कहा जाता है सही है क्योंकि वो स्टार्च रिच होती है इसलिए बंडल्स इन इन डाइकोट स्टेम्स आर अरेंज रिंग बिल्कुल सही है पत्री तनों के बंडल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं सही है वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल इन मोनोकॉट स्टेम स्टेम में कभी भी रेडियल वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे रेडियल होते हैं आपके रूट्स में तो ये फॉल्स हो जाएगा तो टी टी एफ सही सीक्वेंस है जो आपका गिवन है ऑप्शन नंबर One में। निम्नलिखित से किसके अन्य सभी गतिशील नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। motile male एक के। क्लेमिडोमोनास यस yes, करता है एक्टोकार्पस ब्राउन एलगी करता है लेमिनेरिया ब्राउन एलगी भी करता है ग्रेसिल एरिया जो कि एक रेड एलगी है और रेड एलगी में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं यहाँ पर ठीक है तो इसीलिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टोर्ड फूड इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रीन एलगी इज हरे शैवाल के अधिकांश सदस्यों में संचित खाद्य पदार्थ है स्टार्च है बिल्कुल प्लांट्स के जैसा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट

फोर्थ सिलेक्ट द करेक्ट मैच लाइकोप्सिडा इक्वेस एटम नहीं ये इस क्लास को बिलोंग नहीं करता है साइलोप्सिडा साइलोटम बिल्कुल सही है तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ये क्लासेस हैं आपकी चार क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स की डैश आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स डैश चट्टानों पर उगने वाले सर्वप्रथम जीव हैं मॉसेस एंड मेंबर्स ऑफ साइलोपसिडा नहीं लाइकेंस एंड मॉसेस यस लाइकेंस जो आपके एलगी और फंजाई का एसोसिएशन होते हैं वो और मॉसेस जो हुए हैं वो पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी रॉक्स पे सबसे पहले कॉलोनाइजेशन करने वाले द जायंट रेडवुड ट्री इज अ और एन विशाल रेडवुड वृक्ष है कौन सा है सिकोइया है और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म को एक अनावृत बीजी को में से में एकी समय में लक्षणों पर विचार किया जा सकता है वो है न्यूमैरिकल टेक्सोनोमी जहां पर नंबर और फोर्ट असाइन कर दिए जाते हैं हर एक कैरेक्टर को ये देखिए डायग्राम तो इन द अब डायग्राम ए इज ए क्या है ये ए जो दर्शाया गया है ये क्या है ये है एयर अगर आपने ध्यान से एनसीआर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये, ये तो ने में से कौन सा कथन कारा के लिए सत्य है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये ग्रीन एलगी है तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है यहां पर होंगे तो ऑप्शन नंबर वन सही है सही आंसर भी है इन सेल्स वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस कोशिकाओं में जल चैनल कितने विभिन्न प्रकार के एक्वापोरेंस से बने होते हैं आठ एट एक्वापोरेंस से बने होते हैं और पोरेंस क्या है प्रोटीन्स है तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ consider the given diagram and select the correct option with respect to various processes labeled as x y z x y z x में देखिए एक ही है तो यहां पर यूनिपोर्ट हो जाएगा फिर b में देखिए और y में देखिए यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में दूसरा है तो ये एंटीपोर्ट हो जाएगा ये यूनिपोर्ट हो गया ये एंटीपोर्ट हो, हो गया और ये सिम्पोर्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए ठीक है तो यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सिमिलर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट दैट द किस विशेषता के अतिरिक्त सुसाध्य विसरण सक्रिय परिवहन के के समान होता है सिवाय एक रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों में जरूरत होती है हाईली सिलेक्टिव इन नेचर दोनों होते हैं इज एनर्जी इंडिपेंडेंट यस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है आपका वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है

कोशिका झिल्ली के पार पदार्थों के वहन के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं करते हैं बिल्कुल सिर्फ यहाँ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज स्टेटमेंट ए तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सीडलिंग्स इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ द प्रेशर जनरेटेड बाय किसके द्वारा उत्पन्न दाब के कारण नवोदिद मृदा से उभरकर बाहर आते हैं इम्बाइपन होता है वो जहां पर सॉलिड चीजें जो हैं पानी एब्जॉर्ब करती हैं बिना सॉल्यूशन बनाए ऑप्शन नंबर सेकंड अ सेल गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन किसमें एक कोशिका को रखे जाने पर इसका प्रद्रव्य कुंचन होता है जब आप उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब मोर सल्यूट एंड लेस वाटर तो वाटर सेल में से बाहर निकल कर आएगा तो सही आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ विलयन। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इज एक स्वित कोशिका के लिए सही अभिव्यक्ति है टर्जेड मतलब फूला हुआ सेल है तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों ही बराबर हो जाएंगे जब दोनों बराबर हो जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन इज परफेक्ट फॉर दिस कंडीशन तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गटेशन व्हेन देयर इज बिंदुस्त्राव तब होता है जब हाई ट्रांसपायरेशन एंड हाई रूट प्रेशर नहीं लो ट्रांसपायरेशन एंड लो रूट प्रेशर नहीं हाई ट्रांसपायरेशन एंड लो रूट प्रेशर नहीं लो एंड हाई रूट प्रेशर यस जब मूल दाब उच्च होता है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है ट्रांसफारेशन पानी उड़ कम रहा है भाप की फॉर्म में और रूट प्रेशर ज्यादा है तब जो है आपका क्या होगा गटेशन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ मिनरल आयन आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल पादपो द्वारा मृदा से खनिज आयन किस प्रकार अवशोषित होते हैं चलिए

वो तो भाप की फॉर्म में होता है तो वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो ही नहीं सकते स्टेटमेंट बी बोलता है गट्टेशन अकर्स थ्राइडर थॉट ये तो बिल्कुल सही है और सीधा सा है तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड पिक द इनकरेक्ट मैच एडेशन अट्रैक्शन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स टू पोलार सरफेस बिल्कुल सही है आसंजन क्या है ध्रुवीय सतहों की और जल के अणुओं का आकर्षण है

तो यहां सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ टू राइज इन कैपिलरिटी क्या है ट्यूब जो एबिलिटी टू रेजिस्टर पुलिंग फोर्स है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना कि कैपिलरिटी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ खिंचाव बल का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है कोशिकात्व फ्लोयम साप इज मेनली फ्लोयम रस मुख्य रूप से क्या होता है वाटर एंड सुक्रोज जल और सुक्रोज ऑप्शन नंबर वन स्क्लेन काइमेटस फाइबर्स आर स्क्लेन कायमी तंतु क्या है भाई बताइए स्फेरिकल और ओवल सेल्स तो बिल्कुल नहीं होते इलांगेटेड सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स यस नुकीले सिरों वाली लंबी कोशिकाएं हैं जनरली अक्रिंग इन ग्रुप्स यस सामान्यतः समूह में रहते हैं तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज कॉग एधा का एक अन्य नाम क्या है फेलोजन है फेलम हम कॉर्क को बोलते हैं फेलोडम हम कॉटेक्स को बोलते हैं सेकेंडरी कॉटेक्स को ठीक है और पेरिडम इन तीनों को मिला के बोलते हैं तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड द रोंग स्टेटमेंट विद respect टू guard सेल्स इज द्वार कोशिकाओं के संदर्भ में गलत कथन है।, शे, है सम द्विपार्शी पर्णों में आकार होती हैं। बिल्कुल सही है कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है हार बीन शेप्ड इन डाइकॉट लीव यस द्वि पत्री पर्णों में सेम आकृति की होती है कुछ ऐसी ये भी सही है लैक क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल गलत है इनमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव नहीं होता है द ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ इज जाइलम का एकमात्र जीवित घटक है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है वही जाइलम पैर कायमा पेरीसाइकिल परिरंभ क्या है इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टील यस स्टील क्या है एंडोडर्मिस के अंदर वाला जितना भी पार्ट है सब स्टील है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी पेरिसाइकिल जो है वो क्या है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है किसका रंभ का तो सही आंसर यहाँ हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर वन सिलेक्ट द ऑर्ड वन विद रिस्पेक्ट टू ब्राउन एल भूरे शैवाल के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए लैमिन बिल्कुल सैरगैसम डिक्ट्यूटा जेलीडियम एक रेड एल है ना कि ब्राउन एलगी तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन द्विगुणित की जीवन चक्र पाया जाता है सारे ग्रीन एल्गी में नहीं मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में नहीं कारा और एक्टोकार्पस में नहीं फ्यूकस एंड जिम्नोस्पर्म्स में यस yes. फ्यूकस एक एक्सेप्शन है एल्गी का जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी सारे जो एलगी होते हैं उनमें ज्यादातर में हेप्लॉन्टिक मिलती है हैं, कुछ एक्सेप्शन है और जिम्नोस्पॉर्म्स में तो डिप्लॉन्टिक है ही तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट इज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पॉर्म न्यूक्लियस पीई जो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है और थ्री एन होता है प्लॉइडीज की इज फॉर्म्ड इन किसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है ये एनजीओसप में होगा और एनजियम का आपके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर यू ऑप्शन नंबर माइकोराइजल एसोसिएशन एंड कॉरिलॉयड रूट्स आर कॉमनली फाउंड रिस्पेक्टिवली इन सामान्यतः कवक मूल्य संबंध और प्रवालाभ मूल क्रमशः पाई जाती है माइकोराइजल एसोसिएशन आपके मिलते हैं पाइनस में और कॉरेलॉइड रूट्स मिलती हैं जिसमें आपका एसोसिएशन होता है साइनोबैक्टीरिया के साथ में रूट्स का दैट इज फाउंड इन साइकस तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द प्रीमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द बिल्कुल सही है एक मॉस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म को भिद है बिल्कुल सही है टेडोफाइट आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स बिल्कुल सही है का उपयोग मृदा बंधक के रूप में किया जाता है तो दोनों ही यहां पर सही है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं यहाँ पर तो अगर हम बात करें यहाँ पर सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दे रखा है तीनों ही पी क्यू आर में देर इज अरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स क्यू एंड आर चलिए सबका वाटर पोटेंशियल निकाल लेते हैं यहाँ पर अगर माइनस ट्वेल्व और फाइव की बात करें सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो यहाँ माइनस सेवन हो जाएगा इसकी बात करें थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन माइनस सेवन हो जाएगा और यहाँ बात करें तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल माइनस फाइव हो जाएगा चलिए देर इज अ बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वॉटर बिटवीन क्यू एंड आर Q और R का तो वाटर पोटेंशियल अलग-अलग है तो इसका तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर यहाँ पर जरूर हो सकता है बाय डायरेक्शनल फ्लो दोनों का सेम है ना इसलिए ठीक है सेल R डज नॉट रिसीव वाटर फ्रॉम सेल्स Q एंड P R जो है उसको पानी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा Q से तो मिलेगा ठीक है तो ये भी गलत हो जाता है भाई कोशिकाओं Q और R के बीच जल का द्वि दिशात्मक प्रवाह होता है बिल्कुल नहीं होगा कोशिका R को कोशिकाओं Q और पी से जल प्राप्त नहीं होता है होगा इससे तो होगा ठीक है वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल क्यू इज मोर देन दैट ऑफ वाटर दैट ऑफ पी एंड आर बिल्कुल इन दोनों का माइनस सेवन है तो वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है क्यू का तो ये बिल्कुल सही है तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंपलास्ट पाथवे ऑफ वाटर स्टेक मूवमेंट इनकरेक्ट इट इज अ फास्टर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट देन एपोप्लास्टिक पाथ बिल्कुल गलत है यह एपोप्लास्टिक पाथ की तुलना में परिवहन का तीव्र नहीं स्लो है तरीका ठीक है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन सिलेक्ट द वन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपेरेशन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए ऑर्ड वन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स विंड एक्सटर्नल फैक्टर है भी भी, है, pressure gradient भी है structure of leaf जो है, जो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है ठीक है तो सही आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट इन फ्लोया ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज फॉर ट्रांसलोकेशन सही है स्थानांतरण के लिए ग्लूकोज सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम नहीं हाइपरटोनिक कंडीशन होती है ना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूट्स का ज्यादा हो जाना तो यह गलत है और यहां सही आंसर बी यही है द स्टोमेटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल्स आर द्वार कोशिकाओं में क्या होने पर रंध्र खुलते हैं जब वो हो जाती हैं, स्फीति फूल जाती हैं। ऑप्शन नंबर वन सो गाइज ये था हमारा आज का एफ टी डिस्कशन सेशन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड सेफ थैंक यू